इधर आई बटन और इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सेट थ्योरी का कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वेलकम टू वीडियो नंबर 2, जहां पे हम देखेंगे रोस्टर फॉर्म क्या होता है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी चीज़ सीखने के लिए मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट को शेयर करके अपना सपोर्ट दें। ओके, इट इज़ जस्ट अ रिक्वेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म के साथ। रोस्टर फॉर्म को हम टैबुलेशन फॉर्म या फिर टैबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। ओके, रोस्टर फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, टैबुलर फॉर्म या फिर टैबुलेशन फॉर्म बोलते हैं। इसमें होता क्या है उसको भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। इन दिस द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड विद इन अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेसेस बोलते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं। ओके, इन दिस द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड विद इन अ पेयर ऑफ अ ब्रैकेट एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास। ओके, ठीक है। तो आपने पिछले वाले वीडियो में जो आपको मैं बताया था सेट ए था, जो कि अपना वेल डिफाइंड था, जिसमें हम क्या किए थे, कर्ली ब्रैकेट का यूज़ किए थे और कुछ एलिमेंट लिखे थे ए बी सी डी, है ना, और बीच में क्या थे, ब्रैकेट्स थे, और सॉरी बीच में अपने क्या थे वहाँ पे कॉमास थे। तो वो अपना क्या है, रोस्टर फॉर्म है। ओके, वो अपना क्या है, रोस्टर फॉर्म है। तो इन दिस द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड विद इन अ पेयर ऑफ ब्रैकेट एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। लेट एन डिनोट द सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर पता होगा आपको क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ओके, यस। अगर उसी नेचुरल नंबर में अगर मैं 0 को इंक्लूड कर दूंगा तो अपने क्या बन जाएगा, वो होल नंबर बन जाएगा। इट मीन्स होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 टू, यस। अगर आप पॉजिटिव इंटीजर देखोगे तो वो अपने क्या होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, तो अपने क्या होगा, होल नंबर हो जाएगा। लेकिन उसी पॉजिटिव इंटीजर में अगर मैं 0 को हटा दूं, दैट विल बिकम नेचुरल नंबर्स। ओके, तो लेट एन डिनोट द फर्स्ट सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। तो एन अपना क्या हो जाएगा, 1 2 3। देखो यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे एलिमेंट को लिखा हूँ, दे ऑल आर सेपरेटेड बाय कॉमास, और देखो उसको अपन क्या किए हैं, कर्ली ब्रैकेट या फिर इसको अपन ब्रेसेस बोलते हैं, ब्रेसेस में उसको अपन इसको बंद कर दिए हैं। ओके, यस। अब सेकंड एग्जांपल एक बार अपन देख लेते हैं। थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स को अपन यहाँ पे जरूर डिस्कस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बने। यस, लेट बी डिनोट द सेट ऑफ ऑल द वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो अपना बी क्या हो जाएगा, वॉवल्स अपने होते क्या क्या हैं, यस 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो अगेन हम जो जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे ए ई आई ओ यू, उसको अपन यहाँ पे लिख लिए, दे ऑल आर सेपरेटेड बाय कॉमास, और उसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में उसको अपन क्लोज कर लिए। ओके, कर्ली ब्रैकेट से उसको अपन यहाँ पे क्लोज कर लिया, फिर ब्रेसेस से उसको अपन यहाँ पे क्लोज कर लिया। थर्ड देखते हैं क्या लिखा यहाँ पे, लेट ए बी अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स। लेट ए बी अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बुक, बी डबल ओ के। तो यहाँ पे अपना ए क्या हो जाएगा, यस बी ओ के। अब यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो यहाँ पे जो लेटर 2 बार आया है उसको 2 बार लिखने की कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओके, यस, यहाँ पे 2 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बाद में आपको एक नोट पॉइंट भी लिखवाऊंगा जो कि मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ। तो यहाँ पे लेट ए बी अ सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बुक, तो बुक को भी अपन क्या करेंगे, बी ओ के लिख लिए, ब्रैकेट्स में इसको क्लोज कर लिए, एंड दे ऑल आर सेपरेटेड बाय अ कॉमा। ओके, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है जिसको आपको पता होना चाहिए, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यस, ये अपना की पॉइंट है। ओके, द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल। ओके, यहाँ पे जैसे बी ओ के लिखा है तो मैं यहाँ पे ओ के बी भी लिख सकता हूँ। मतलब ये है कि सेट में जो सीक्वेंस होता है, ओके, जो सीक्वेंस होता है, जो ऑर्डर अपना होता है, वो अपना मायने नहीं रखता है। ओके, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल एंड एलिमेंट्स मस्ट नॉट बी रिपीटेड। आपको एलिमेंट्स को जो है रिपीट नहीं करना। जैसे यहाँ पे बी डबल ओ के लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 बार ओ रिपीट हुआ है, मतलब 2 बार ओ आया है, मतलब आपको दिख रहा है कि आपका जो ओ है वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे अपन रिपीटेड एलिमेंट्स को अपन यहाँ पे यस इग्नोर करेंगे। द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल। आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप चाहो तो ओ के बी लिखो, बी के ओ लिखो, कुछ भी लिखो। ओके, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। वो भी हमारा जैसे हम आप लिखे हो बी के ओ लिखे हो तो वो भी अपना क्या होगा, सेट ए होगा। ओके, किस सेट ए होगा ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड बुक, वो भी उसी को ही डिनोट करने वाला है। ओके, एंड द एलिमेंट्स मस्ट नॉट बी रिपीटेड। अब इसका हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म को अपन यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यस, अ रूल और अ फॉर्मूला और अ स्टेटमेंट इज रिटन विद इन अ पेयर ऑफ ब्रैकेट सो दैट द सेट इज वेल डिफाइंड। ओके, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। अ रूल, अ फॉर्मूला और अ स्टेटमेंट is written within a pair of bracket so that the set is well defined. आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा. All the elements of set must possess a single property. प्रॉपर्टी सिंगल ही होनी चाहिए. ओके, मल्टीपल प्रॉपर्टी को अपन यहाँ पे सेट बिल्डर वाले फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं. यस, टू बिकम द मेंबर ऑफ दैट सेट या फिर एलिमेंट ऑफ दैट सेट. ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अ रूल, अ फॉर्मूला और स्टेटमेंट. ठीक है, यहाँ पे हम रूल दिखाएंगे या फिर फॉर्मूला दिखाएंगे फिर स्टेटमेंट दिखाएंगे. इज रिटन विद इन अ पेयर ऑफ ब्रैकेट. पेयर ऑफ ब्रैकेट में आप वहां पे फॉर्मूला लिख सकते हो, स्टेटमेंट लिख सकते हो, कोई रूल को वहां पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो दैट द सेट इज वेल डिफाइंड. सेट को वेल डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट या फॉर्मूला को अपन वहां पे यूज करेंगे. एंड वो जो भी वहां पे एलिमेंट्स होंगे, उस सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे, दे ऑल मस्ट पॉजेस अ सिंगल प्रॉपर्टी. ओके, सो दैट दे बिकम द मेंबर ऑफ दैट सेट. एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ पी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5. ये अपना क्या है, एक रोस्टर फॉर्म या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, टैबुलेशन फॉर्म बोलेंगे. ओके, ये अपना क्या है, टैबुलेशन फॉर्म है. अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्या अपना नेचुरल नंबर्स हैं और कहाँ तक का ये 5 तक का है. तो यहाँ पे हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, P इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ है, अगेन यहाँ पे x लिखा हुआ है. यहाँ पे ना, यहाँ पे दो चीजें होती है, या तो अपन ऐसा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे या फिर ऐसा अपन कॉलन देंगे. ओके, यस, दो बिंदु होता है, आपको पता होगा. इसको हम अपन क्या बोलते हैं, इंग्लिश के टर्म में कॉलन बोलते हैं. ओके, तो या तो यहाँ पे कॉलन का यूज करो या फिर इसको एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो. जो भी ड्रॉ करोगे उसको अपन यहाँ पे मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, सच दैट. ओके, यहाँ पे लिखा हूं मैं सच दैट x, सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन इक्वल्स टू 5. ओके, ये 5 की इक्वल होगा और 5 से छोटा भी होगा. इट्स स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल नंबर, स्टार्ट फ्रॉम 1 और कहां तक जाएगा ये, 5 तक जाएगा. तो 5 1 2 3 4 5. तो इस टाइप से जो इसको अपन यहाँ पे, ये अपना क्या सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, अपना ये क्या रोस्टर फॉर्म हो गया. इसको बोलते कैसे हैं, इस सेट बिल्डर वाले फॉर्म को बोलते कैसे हैं, पी क्या है, पी इज अ सेट. ओके, सो पी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट एक्स. एक्स अपना क्या है, एलिमेंट्स होंगे. ये अपना क्या है, सब एलिमेंट्स तो है. तो ये x अपना क्या है, एलिमेंट्स x है. सच दैट x बिलोंग्स टू, ये जो है ना एप्सिलॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू. ओके, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 5. इसको जो अपन इस टाइप से इसको अपन डिनोट करते हैं. तो इस वीडियो में इतना ही है. अगला वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, बिकॉज हम वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले ऑन दिस टॉपिक. ओके, थैंक यू सो मच.